खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व धनबाद में उत्पाद विभाग भी रेस हो गई है। इसी क्रम में धनसार थाना क्षेत्र के जोरा पाठक के निकट सत्येंद्र यादव नामक शख्स के घर में छापेमारी कर 12 पेटी अवैध नकली शराब जब्त किया गया। इस डुप्लीकेट शराब को ओरिजिनल बोतल में डालकर सील पैक करके बाजार में खपाने का काम किया जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पादन दारोगा जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई और अवैध शराब पकड़ा गया। कारोबारी भागने में सफल हो गया, लेकिन उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान उपायुक्त महोदय, धनबाद और सहायक उपायुक्त धनबाद के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जोड़ा फाटक जो धनसार थाना अंतर्गत पड़ता है वहां छापामारी की और अवैध विदेशी शराब जब्त किए। करीब 10-12 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया। सत्येंद्र यादव है जो वहीं का निवासी है, उसके घर पे ही छापामारी की गई थी और घर से वो फरार था, तो सारा अवैध जो शराब था उसको जब्त किया गया। ये एक्चुअली एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक बुलेट विस्की है, ये नकली शराब है। इसको ही जो ओरिजिनल बॉटल है उसमें डाल के पैक करके सील पैक करके बेचा जा रहा था। होली के मद्देनजर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको जो भी शराब मिले वो दुकान से ही खरीदना चाहिए और उनको नकली शराब नहीं बेचा जाए, इसको देखते हुए। सत्येंद्र यादव के ऊपर फरार अभियोग दर्ज किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी जल्द। लगभग कितने रुपया के बाजार की लागत क्या? 1 लाख के लमसम बाजार लागत है। कौन सा ब्रांड है इसका? ये आपका एक बुलेट विस्की है और B7 है, मैगडोयल है, RS है, सभी में भरकर बेचा जा रहा था। लगभग कितने? 1 लाख के लमसम। थैंक यू।